दोस्तों, हमेशा की तरह एक और लजीज रेसिपी के साथ मैं रितु जैन आपका आपके चहेते चैनल स्वाद का तड़का में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली मशरूम। ये एक इंडो चाइनीज स्टार्टर डिश है जिसकी रेसिपी लगभग चिली पनीर के जैसी है। मशरूम में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो इस डिश को एक हेल्दी डिश बनाते हैं। ये एक इजी रेसिपी है जिसे आप कम समय में फटाफट बना सकते हैं, तो आइए इसे बनाते हैं। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस डिश में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, हमारा आज का मेन इंग्रेडिएंट है मशरूम, जो मैंने करीब 200 ग्राम लिया है। और हमें लगेगा स्प्रिंग ऑनियन, 8 से 10 लहसुन की कली जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बड़े साइज़ में कट करा है, 2 हरी मिर्ची, बारीक कट किया हुआ अदरक, एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम जिसे भी मैंने बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। इसके अलावा हमें लगेगा सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल। दोस्तों, अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। यहाँ मैंने करीब 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है जो 200 ग्राम मशरूम के लिए सफिशिएंट है। अब हम इसमें आधी चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें करीब आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी थिक घोल बना लेंगे। दोस्तों, हमें खास ध्यान रखना है, हमें घोल को ना ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है। घोल अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। मशरूम में मैरिनेट की अच्छी तरह कोटिंग हो चुकी है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके मशरूम डालेंगे और उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मशरूम लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मशरूम फ्राई होकर रेडी है, अब हम चिली मशरूम बनाएंगे। चिली मशरूम बनाने से पहले हम कॉर्नफ्लोर का घोल बना लेंगे। मैंने एक बाउल में 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। वापस से हम एक पैन गैस पे रखेंगे और उसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, गार्लिक डालेंगे और अदरक डालेंगे। दोस्तों, गैस की फ्लेम हमें हाई रखना है और इन तीनों चीज़ों को करीब आधा मिनट अच्छे से सेकना है। करीब आधा मिनट मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से सेक लिया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, कैप्सिकम डालूंगी, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे और करीब आधा मिनट हाई फ्लेम पे सेकेंगे। करीब आधा मिनट सेकने के बाद अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे।
दो चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच रेड चिली सॉस और एक चम्मच टमाटो सॉस, और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें करीब आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोस्तों नमक ध्यान से ही डालें क्योंकि इसमें जितने भी सॉसेस डले उन सब में नमक की क्वांटिटी ऑलरेडी रहती है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और मशरूम डाल देंगे और इन सबको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। और करीब एक मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे। करीब एक मिनट हो गया है, चिली मशरूम बनके तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। चलिए तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है चिली मशरूम। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। और यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और साथ ही आप कौन से डिश की रेसिपी चाहते हैं यह भी कमेंट्स करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वह रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग स्वाद का तड़का। बाय बाय, थैंक यू।